नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनेस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं दो मिनट वेट कर लेता हूँ कि वॉइस क्लियर आ रही है क्या। दो मिनट में वेट कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इतने में आप लाइव जुड़ जाना, ध्यान दीजिएगा। अपना बेसिकली आज का टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रीन की बात करेंगे आज। वॉइस को देख लेते हैं एक बार, वॉइस क्लियर है क्या, ध्यान दीजिएगा एक बार। वॉइस क्लियर आ रही है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार वॉइस को, ध्यान दीजिएगा सभी। वॉइस क्लियर है क्या, कमेंट कीजिए क्या। वॉइस क्लियर है क्या, वॉइस क्लियर आ रही होगी, वॉइस क्लियर है क्या, ध्यान दीजिएगा। मैं वेट कर लेता हूँ इतने में, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं। वॉइस क्लियर है क्या, वॉइस क्लियर है क्या, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार सही कर लेता हूँ, वॉइस क्लियर है। अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिकली जिसका नाम है, आपको दिख रहा होगा, नाइट्रीन की चर्चा करेंगे आज अपन। किसकी टॉपिक की, नाइट्रीन की। इतने में आप लाइव जुड़े रहिएगा, अपन नाइट्रीन की टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाइट्रीन बेसिकली अपन स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। इतने में सभी लाइव जुड़ जाइएगा, अपन आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिकली जिसका नाम है नाइट्रीन, उसकी मैं आज को आपको कहानी बताने वाला हूँ। इतने में आप सभी लाइव जुड़ जाइएगा। मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ सभी के, कमेंट इसमें वॉइस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम वॉइस। अपन स्टार्ट करेंगे बेसिकली टॉपिक, नाउ स्टार्ट टॉपिक। अब स्टार्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है नाइट्रीन, उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार। नाइट्रीन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, नाइट्रीन। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी, गुरु गणेश सैनी जी आपको वेरी गुड मॉर्निंग, एवरीबडी राम राम जी, राधे राधे। अपन टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है नाइट्रीन, इसकी मैं आपको बेसिकली आज कहानी बताऊंगा शुरू से लेके और लास्ट तक, यानी 11th क्लास से और MSc लेवल तक इस नाइट्रीन को अपन लेके चलेंगे, यानी बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक इसकी मैं आज कहानी बताने वाला हूँ नाइट्रीन की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रीन क्या होती है, सिमिलर होती है कार्बिन की तरह होती है। नाइट्रीन बेसिक क्या होती है, सिमिलर होती है किसकी तरह, नाइट्रीन किसकी तरह सिमिलर होती है, कार्बिन की तरह सिमिलर होती है। मैं कमेंट भी पढ़ता जाऊँगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप तो एक बार। नाइट्रीन का टॉपिक, इसको तरीका क्या है इसको फटने का, इसको बेसिकली फटते कैसे हैं, इसको इसकी स्टडी कैसे करते हैं नाइट्रीन की, इसकी मैं आज कहानी बताऊंगा बेसिकली, ध्यान दीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है कहानी का। कहानी का जो टाइटल है वो बेसिकली नाइट्रीन है, इसकी मैं आज कहानी बताऊंगा आपको नाइट्रीन की, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। इसके अंदर बेसिकली अपने को फटना क्या क्या है उसकी मैं बात कर लेता हूँ पहले। इधर सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सभी को, जितने भी लाइव क्लास के अंदर देख रहे हैं। पहले फटना है इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या फटना है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट फटना है, क्या फटना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या फटना है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट फटना है, क्या फटना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये पहले इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट अब अपन स्टडी करेंगे, फिर अपन डिस्कस करेंगे। बेटा इधर ध्यान दीजिएगा आप, तो पहले यहाँ पे मैं इधर एरो लगा देता हूँ ऐसे की ऐसे, आप ध्यान दीजिए। जितने भी लाइव परिचर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं कमेंट कीजिएगा वॉइस क्लियर है क्या, वीडियो क्वालिटी बहुत ही शानदार और मज़ेदार आ रही होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा आप तो, पहले तो यहाँ पे देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, फिर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, क्या पढ़ेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन
ऑफ नाइट्रीन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन यानी नाइट्रीन का निर्माण बेसिकली होता कैसे है। इधर ध्यान दीजिएगा, अब नाइट्रीन का निर्माण कहते हैं कैसे होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, फिर अपन क्या स्टडी करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देना है जी, ध्यान देना है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन और बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपन इसमें स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर अपन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन यानी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसकी, नाइट्रीन की बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होती है अपन इसके अंदर वो भी पढ़ सकते हैं। इसके अंदर अपन टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन यानी टाइप्स ऑफ नाइट्रीन की बेसिकली, और लास्ट में पढ़ सकते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रीन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रीन। तो ये ऐसे इसका तरीका है फटने का नाइट्रीन को, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले इसके अंदर क्या बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना अपने को, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर अपन बात करेंगे, इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी बाद में बात कर लेंगे अपन, स्ट्रक्चर की बात करेंगे मेनली इसके अंदर। पहले क्या स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बेसिकली इसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन। तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट है वैसे तो, जिसका नाम है नाइट्रीन। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन यानी नाइट्रीन का निर्माण बेसिकली होता कैसे है, नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता क्या है उसकी मैं आज कहानी बताऊंगा आपको, बेसिकली बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको बताने वाला हूँ। अब क्या करना है इसके अंदर, बेसिकली टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन सिमिलर होती है किसके, कार्बन, दो प्रकार की नाइट्रीन, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन, एक होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन, यानी दो प्रकार की नाइट्रीन होती है बेसिकली। रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रीन यानी नाइट्रीन के कौन कौन से रिएक्शनों के अंदर नाइट्रीन बेसिकली काम में आता है उसकी मैं आज कहानी बताऊंगा इसके अंदर, जो इंसर्शन रिएक्शन में भी काम आता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रीन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग नाइट्रीन। और ये सारा इसको ऐसे तरीके से पढ़ना है नाइट्रीन को, बेसिकली ऐसे इसकी अपने को स्टडी करनी है नाइट्रीन की, बेसिकली ऐसे नाइट्रीन को ऐसे पढ़ना है, फिर ये करना है कॉन्सेप्ट को तैयार। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन स्टार्ट करते हैं, बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पहला टॉपिक स्टार्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट। शेयर कर दीजिएगा इसको, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लाइव लाइव क्लास के अंदर प्रेजेंट है। अब मैं नाइट्रीन का बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रीन ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, इधर बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रीन यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रीन इसकी मैं आज आप बेसिकली आपको इसकी कहानी बताता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रीन। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रीन। अब ध्यान दीजिएगा आप तो एक बार, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रीन, अब मैं इसको आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होती है नाइट्रीन, इसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ इसकी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रीन के अंदर ध्यान दीजिएगा आप तो, बेसिक सिमिलर 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 टू कार्बिन यानी ये सिमिलर होती है कार्बिन की तरह, ये क्या होती है सिमिलर होती है यानी कार्बिन की भांति क्या होती है समान होती है, कौन बेटा नाइट्रीन, नाइट्रीन क्या होती है सिमिलर टू कार्बिन यानी कार्बिन की तरह ये व्यवहार करती है, कार्बिन की तरह होती है। जैसे कार्बिन दो प्रकार की होती है, तो सिंगलेट कार्बिन, एक होती है ट्रिपलेट कार्बिन, वैसे ही नाइट्रीन भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरी होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन। ये इसकी बेसिकली कहानी थी अभी तक की बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। फिर मैं इसका एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ किसकी, नाइट्रीन की। बेसिकली ये सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, क्या होती है बेटा ध्यान दीजिएगा दोबारा, मैंने क्या बोला सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है नाइट्रीन, क्या होती है इट इज ए सिक्स इलेक्ट्रॉन
स्पेसीज। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इस पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इस पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ध्यान दीजिएगा एक बार आप, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, मैं नाइट्रिन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। यहाँ पे सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। और इधर लगाएं बेसिकली, यहाँ पे मैं लगा दूं H, क्या लगा दूं H। अब मेरे पास यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। एकाकी कितने, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन एक हो गया और ये दो, तो यहाँ पे दो क्या होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। कितने होते हैं बेटा, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो यहाँ पे इसको इंक्लूड करते हैं कैसे, इसके अंदर सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आईआईटी जेई एडवांस और आईआईटी जैम 2021, और बेसिकली मैं बात करूँ तो इसके अंदर अगर आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे नाइट्रिन का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। इस कहानी को मैं आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ये मैंने एक सिंपल नाइट्रिन का कोई कंपाउंड लिया, तो यहाँ पे इसके इंक्लूड करते हैं कि सिक्स इलेक्ट्रॉन कैसे हो, उसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ। इंक्लूड कीजिएगा सिक्स इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार। तो आप देखो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर के कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, लोन पेयर के। इसके कितने होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, लोन पेयर के, दो इलेक्ट्रॉन इसके, दो इलेक्ट्रॉन इसके, और एक सिग्मा बॉन्ड का। कितना, ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको, क्या है ये सिग्मा बॉन्ड, इसके कितने हैं, टू इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इसके अंदर क्या करेंगे अपन, ये दो दो इलेक्ट्रॉन इनको इंक्लूड कर देंगे, क्या कर देंगे, इनको टोटल कर देंगे, यानी इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे इनको कितने आ गए, जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नाइट्रिन, नाइट्रिन इज ए सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो क्या होती है, सिमिलर टू कार्बिन, इस कार्बिन की तरह होती है। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रिन, ये क्या होती है, यहाँ पे इसके करेक्टर लिखते जाते हैं अपन, हैजटेक सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। ध्यान दीजिएगा दोबारा इंक्लूड कर रहे हैं कितने, छह इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसके, दो इलेक्ट्रॉन इसके, एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के, दो दो चार दो छह, कितने हो गए, सिक्स हो गए। कितने हो गए बेटा, सिक्स हो गए। ध्यान दीजिएगा हैजटेक सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। क्या होती है बेटा, ये सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। क्या होती है, सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। कौन रे, सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसी होती है, कौन, नाइट्रिन। अब ये सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसी होती है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। क्या होती है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। क्या होती है ये बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। क्या होती है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, इट इज ए बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बिहेव करती है, बिहेव क्या करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। कौन बेटा, नाइट्रिन। कौन, ये सारी स्टोरी किसकी है, नाइट्रिन की बेसिकली स्टोरी है, नाइट्रिन की बेसिकली कहानी थी। इस कहानी को मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया, सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इस पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ई प्लस, इस पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इस पर हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये बेसिकली इसकी पूरी कहानी थी। इस कहानी को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये लेस स्टेबल होती है देन कार्बिन। यहां पे एक स्टोरी लिख सकता हूं, यहां पे लेस स्टेबल, लेस, यहां पे मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल देन देन कार्बिन, लेस स्टेबल होती है देन कार्बिन। क्यों होती है, व्हाई दिस रीजन, क्यों होती है लेस स्टेबल, ध्यान दीजिएगा, लेस स्टेबल देन कार्बिन, यानी लेस स्टेबल क्यों होती है कार्बिन से। तो आप सर ये हमारे को बताओ कि ये लेस स्टेबल देन कार्बिन क्यों होती है, क्यों होती है बेटा। यहाँ पे एडवांस के अंदर यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वाला यहाँ पे, ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये वाला लोन पेयर। तो मैं लिख सकता हूँ इसका रीजन क्या हुआ, वाई, क्यों।
कार्बिन से लेस स्टेबल क्यों होती है? ध्यान दीजिएगा बस आप तो एक बार, ड्यू टू एडिशनल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एडिशनल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू एडिशनल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे एडवांस के अंदर, यानी इसके अंदर वहाँ पे तो एक ही होता है नाइट्रीन के अंदर, सॉरी कार्बिन के अंदर, बेसिकली कार्बिन लोन पेयर एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, ड्यू टू एडिशनल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एडवांस के अंदर दो लोन पेयर पाए जाते हैं, एक ये वाला और ये वाला, तो इसकी ये क्यों होती है लेस स्टेबल देन कार्बिन, कार्बिन से लेस स्टेबल क्यों होती है, तो ये इसका रीजन होगा कि यहाँ पे एडिशनल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये थी इसकी बेसिकली कहानी, इस कहानी को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके अंदर बेसिकली मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया उसको मैं रिकॉल कर लेता हूं। बेसिकली मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया है कि जो कार्बिन होती है, ध्यान दीजिएगा, कार्बिन होती है एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, ये बिहेव करती है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और मैंने बेसिकली इसके अंदर क्या बताया कि यह एक न्यूट्रल स्पीसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। और मैंने क्या बताया, ये इसकी स्ट्रक्चर बताई, ये ऐसे नाइट्रीन, सिंपल नाइट्रीन का लिया मैंने, कुछ नाइट्रीन का सिंपल कंपाउंड है एन और एच, यहाँ के ये इसका लोन पेयर, इसका ये लोन पेयर, तो टू इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे, ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको ये याद ही होना चाहिए, इसका बेसिक ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए नाइट्रीन का, अगर आप नाइट्रीन के बारे में आप इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बेटा सर जी आपको ये आना ही चाहिए कि इसके अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको नाइट्रीन का आना ही चाहिए, इसको पढ़ना कैसे है। तो ये बेसिकली कहानी थी, इस कहानी को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसकी और भी इसकी कहानी बताने जा रहा हूं, किसकी, कार्बिन का। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन की बात कर लेता हूँ, जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी लोन अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन और एक होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रीन बता दी। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ नाइट्रीन की, यानी टाइप्स ऑफ नाइट्रीन की मैं आपको कहानी बताता हूँ टाइप्स ऑफ नाइट्रीन के, तो ध्यान दीजिएगा आप एक बार, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन इसकी मैं आपको बेसिकली कहानी बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन की बेसिकली इसकी कहानी बताऊंगा, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन यानी नाइट्रीन के प्रकार, दो प्रकार की नाइट्रीन होती है बेसिकली बेटा, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की नाइट्रीन होती है, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन, क्या होती है बेटा, सिंगलेट नाइट्रीन होती है, एक तो क्या होती है सिंगलेट नाइट्रीन, क्या होती है सिंगलेट नाइट्रीन, और बेटा दूसरी होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन, ध्यान दीजिएगा आप तो, ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है, क्या होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन, इनकी मैं आप बेसिकली आपको कहानी बताता हूँ, दोनों की कहानी क्या है, दो प्रकार की नाइट्रीन होती है बेटा, कौन कौन सी, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन के अंदर यहाँ पे अपोजिट साइड में क्या होता है, विपरीत चक्रण होता है, इसकी मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक नाइट्रोजन है ऐसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल ऐसे, और यहाँ पे क्या लगा दूँ, यहाँ पे ऐसे की ऐसे, और यहाँ पे इसको मैं स्टीरियो केमिस्ट्री बना देता हूँ, इसके अंदर ऐसे कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री, और यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और यहाँ पे होता है R। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ पे जो
चक्रण की दिशा है ना वो विपरीत दिशा में होती है, जो लोन पेयर होते हैं विपरीत दिशा में होते हैं वैसे और ऐसे। ये क्या होती है, सिंगलेट नाइट्रीन की स्ट्रक्चर होती है। किसकी स्ट्रक्चर होती है, सिंगलेट नाइट्रीन की स्ट्रक्चर, सिंगलेट नाइट्रीन की ये स्ट्रक्चर होती है। आपको समझ में आ गई होगी तो ये ध्यान दीजिएगा। ये जो यहाँ पे है ना, ये स्पिन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, लोन पेयर है। ये क्या है बेटा, लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या है ये लोन पेयर है। यहाँ पे भी क्या है, ये लोन पेयर, ये भी क्या है यहाँ पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर है ना एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अपोजिट स्पिन है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। इसकी और भी समझाते हैं, इसको स्टीरियो केमिस्ट्री की तरह समझाया, एक सिंपल समझाता हूँ, सिंपल समझना आप यहाँ पे देखना जी। एक यहाँ पे नाइट्रीन है ऐसे कि ऐसे सिंपल नाइट्रीन है आर एन, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे लोन पेयर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आगे डिस्कस करूँगा, ध्यान दीजिएगा आप एक बार, इसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वॉइस क्लियर है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा एक बार, इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, ध्यान दीजिएगा आप इसको देखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ पे क्या है मेरे पास, ये सिंपल नाइट्रीन है, क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या है यहाँ पे सिंपल नाइट्रीन है, क्या है यहाँ पे सिंपल नाइट्रीन है, क्या है ये सिंपल नाइट्रीन। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, जो मेरे पास ये हैं इसको मैं ऐसे बनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे जो होता है मैं से आर एन, और यहाँ पे लगा दिया मैंने लोन पेयर लगा दिया यहाँ पे, और ये हो गए अपोजिट साइड में। तो ऐसे ही इसके अंदर मैंने बताया, ये क्या होती है, सिंगल नाइट्रीन की स्ट्रक्चर होती है। तो ये स्पिन है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्पिन, ये दूसरे क्या होते हैं अपोजिट साइड में होते हैं, जो स्पिन दिख रहे हैं आपको ये वाले ये वाले, तो ये स्पिन होते क्या होते हैं अपोजिट साइड में होते हैं। अब मैं इस कहानी को आगे डिस्कस कर रहा हूँ। ये बेसिकली मैंने अभी तक कहानी बताई स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर बताई मैंने, अबाउट द बलून बिलो द प्लेन के आधार पर। तो ये मेरे पास सिंपल ऐसे बताई मैंने, जो ये स्पिन होते हैं ये चक्रण क्या होते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये चक्रण है यहाँ पे स्पिन, एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये सिंगलेट नाइट्रीन है, तो क्या है मेरे पास सिंगलेट नाइट्रीन है। अब ध्यान दीजिएगा एक बार, सिंगलेट नाइट्रीन आप समझ में आ गई, जो लाइव यहाँ पे क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे ये लोन पेयर ऐसे कैसे, अगर ये स्पिन है एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, तो ये क्या है सिंगलेट नाइट्रीन है। कमेंट कीजिएगा जितने भी लाइव देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि टॉपिक पूरा। टाइप्स ऑफ नाइट्रीन दो प्रकार की, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन, एक होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन। जो सिंगलेट नाइट्रीन होते हैं वहाँ पे चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, और इसमें क्या होता है एक ही दिशा में होता है, किसके अंदर ट्रिपलेट नाइट्रीन के अंदर। स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर बताया मैंने ऐसे, इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री किसकी, सिंगलेट नाइट्रीन की। अब ध्यान दीजिएगा इधर, इसकी मैं कहानी बता रहा हूं आपको ट्रिपलेट नाइट्रीन की, ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ पे ध्यान देना आपको। तो यहाँ पे है R और यहाँ पे N है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने क्या लगा, लोन पेयर लगा दिया यहाँ पे और ये लगा दिया, फिर मैंने इसको कराया आगे, इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ध्यान दीजिएगा R N, और यहाँ पे क्या लगाया मैंने, यहाँ पे ये एक ही दिशा में होते हैं, क्या होते हैं एक ही दिशा में होते हैं। तो ये क्या है बेटा, चक्रण यानी स्पिन एक ही दिशा में होते हैं, स्पिन क्या होते हैं एक ही दिशा में होते हैं, स्पिन क्या होते हैं ये सारे एक ही दिशा में, क्या है इनके स्पिन क्या है एक ही दिशा में होते हैं, जो स्पिन है सारे क्या होते हैं एक ही दिशा में होते हैं। तो ये क्या होते हैं यहाँ पे, ये होती है सिंगलेट, ये होती है सिंगलेट नाइट्रीन एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो क्या होती है यहाँ पे सिंगलेट नाइट्रीन, अगर ट्रिपलेट नाइट्रीन तो यहाँ पे क्या होती है अपोजिट साइड में होती है। इतना आपके बेसिकली समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैंने बताया नाइट्रीन दो प्रकार की होती है बेटा, कौन कौन से, एक तो सिंगलेट नाइट्रीन, एक होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होता है बेसिकली, वहाँ पे जो स्पिन होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं विपरीत दिशा में होते हैं। अगर मैं ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात करूँ तो वहाँ पे जो स्पिन होता है, जो चक्रण क्या बोलते हैं उसको, चक्रण क्या होता है वो एक ही दिशा में होता है, क्या होता है एक ही दिशा में क्या होता है बेसिकली उसका चक्रण होता है। ये मेरी बेसिकली ये कहानी थी
कहानी को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ नाइट्रीन, टाइप्स ऑफ नाइट्रीन सिंगलेट नाइट्रीन होती है, इसकी स्ट्रक्चर बताई ऐसे होती है स्टीरियो, और यहाँ पे क्या बताया मैंने ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन के मैंने अंदर इतनी कहानी बताई कि ट्रिपलेट नाइट्रीन होती है इसके ये क्या होती है, जो चक्रण की दिशा है ना एक ही साइड में होती है, जो चक्रण की दिशा, और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे चक्रण की दिशा क्या होती है एक दूसरे से विपरीत होती है, चक्रण दिशा क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती है चक्रण की दिशा। आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये चक्रण की दिशा क्या होती है एक दूसरे से विपरीत होती है, किसके अंदर सिंगलेट नाइट्रीन के अंदर। अब मैं बात करता हूँ बहुत ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेई की एडवांस और नीट की 2020, और मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर केमिस्ट्री और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं। जितने भी कोई भी तैयारी कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, यह लेक्चर इस चैनल के ऊपर आप आ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये थी इसकी बेसिकली कहानी किसकी, नाइट्रीन की। तो नाइट्रीन की मैंने क्या बताया, नाइट्रीन दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन, एक होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन। ये मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई एक स्टीरियो केमिस्ट्री के आधार पर। इन नोट के अंदर आप ध्यान दीजिएगा 99% क्या होता है इसके अंदर 99%। अपन इसकी कलम मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आपको सभी को मेरा धन्यवाद।